नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण 68 प्रश्न, यानी वैसे प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी सीएसएसएल यूपी आरओएआरओ यूपी पुलिस बिहार एसआई या फिर रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपना फीडबैक के तौर पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक बटन प्रेस करें और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। और हमारे से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप देख पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न और उसके उत्तर। तो पहला नंबर है, 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी पर निर्मित किस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका जवाब होगा सरदार सरोवर बांध। सेकंड नंबर है, 11 से 12 सितंबर 2017 के मध्य भारत की यात्रा करने वाले बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। थर्ड पे आते हैं, 12 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है एमएन शर्मा। यूएस ओपन 2017 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो वो जीतने वाले हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। 7 सितंबर 2017 को भारत की समाचार एजेंसी भारतीय प्रेस ट्रस्ट यानी पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो है विवेक गोयनका। 6 सितंबर 2017 को ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL ने किस देश में उजाला योजना की शुरुआत की? तो इसका जवाब होगा मलेशिया। 3 से लेकर 5 सितंबर 2017 के मध्य 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जवाब है सियामिन चीन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका। 3 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के तीसरे विस्तार में देश का रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री बनी हैं उनका नाम है निर्मला सीता रमन। 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2017 के मध्य संपन्न भारत श्रृंखला एक दिवसीय श्रृंखला का विजेता कौन है? तो भारत और श्रीलंका का जो एक दिवसीय श्रृंखला जो हुआ उसका विजेता है भारत और 5-0 से विजेता रहा। 31 अगस्त 2017 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार बागवानी फसलों का उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो इसका उत्तर जो है वह लगभग 300 मिलियन टन। 1 सितंबर 2017 को नेपाल सरकार ने किस वर्ष तक के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता फ्रेमवर्क यानी UNDAF पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जवाब है वर्ष 2018 से लेकर 22 तक। 1 से लेकर 7 सितंबर 2017 के मध्य संपूर्ण देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो थीम जो था वो था नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं, बेहतर बाल स्वास्थ्य। आगे देखते हैं, 7 सितंबर 2017 को 10वें चिकित्सा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। 31 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो BIS के जो नया महानिदेशक बने हैं उनका नाम है सुरीना राजन। 1 से लेकर 2 सितंबर 2017 के मध्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष पहली बार राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। तो इस सम्मेलन का नाम क्या था? तो सम्मेलन का नाम था राजस्व ज्ञान संगम 2017। 1 सितंबर 2017 को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह बने हैं सुनील अरोड़ा। 31 अगस्त 2017 को भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किसे नियुक्त किया गया? तो 31 अगस्त 2017 को भारत के सीएजी बने हैं राजीव महर्षि। 31 अगस्त 2017 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं अनीता करवाल। 29 अगस्त 2017 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2017 हेतु पायलट योजना के रूप में किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना है? तो उस योजना का नाम है भावांतर भुगतान योजना। आते हैं 20वें प्रश्न पे। 29 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद इटावा से सेफई स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे इस स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 28 अगस्त 2017 को भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो पदभार ग्रहण किए हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, और इन्होंने अपना पदभार जो ग्रहण किया वो किया 28 अगस्त 2017 को। 28 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत चुने गए छात्रों को अगले एक वर्ष तक 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये प्रतिमाह तक फेलोशिप प्रदान की जाएगी? तो उस योजना का नाम है निधि EIR। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 24 अगस्त 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिवार वित्त समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो जो यह समिति थी उसकी अध्यक्षता जो की है उनका नाम है डॉक्टर तरुण राम दुरई। 23 से लेकर 27 अगस्त 2017 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो टोटल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच। 24 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्य संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को क्या घोषित किया? तो निजता के अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार के तौर पे उसे घोषित किया गया और अनुच्छेद 21 के तहत ऐसा किया गया। आते हैं 26 पे। 23 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी क्रीमिलेयर की जो सीमा है 6 लाख रुपए उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वह कर दी गई 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी 2 लाख का इजाफा किया गया है। 25 अगस्त 2017 को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 21 जिले में इको पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो वह जिला है राजौरी। ठीक है, राजौरी जो है वहां पे इको पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त 2017 को किस देश द्वारा विश्व में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए पहली क्लाइमेट स्मार्ट हिम तेंदुआ परिदृश्य प्रबंधन योजना शुरू की गई है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है नेपाल। 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2017 के मध्य आयोजित 23वें दिल्ली पुस्तक मेला 2017 का मुख्य विषय क्या था? तो जो 23वें दिल्ली पुस्तक मेला जो लगा उसका जो मुख्य विषय था वो था पढ़े भारत बढ़े भारत। 25 अगस्त 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन मैं भारत के आर्थिक बदलावों के लिए किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यबल का गठन किया? तो वह है डॉक्टर बी कामकोटी, और इन्हीं की अध्यक्षता में
किया गया। 24 अगस्त 2017 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो 24 अगस्त को जिन्होंने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पे अपना पदभार ग्रहण किया उनका नाम है अश्विनी लोहानी। 23 अगस्त 2017 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर टेकअपतियों की सूची 2017 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो है बिल गेट्स। 22 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेहस केयर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संवैधानिक पीठ ने किस प्रथा को असंवैधानिक बताया तथा केंद्र सरकार को इस पर 6 महीने के अंदर कानून बनाने का निर्देश दिया? तो वह मामला है 3 तलाक। 23 अगस्त 2017 को नीति आयोग ने किस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की? तो है मैटर इंडिया अभियान की। नंबर 35 है, 24 अगस्त 2017 को इंफोसिस के निर्देशक मंडल द्वारा बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वह हैं नंदन नीलेकणी। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पे, 36 नंबर पे। 29 अगस्त 2017 को वर्ष 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो दिया गया है वो दिया गया है देवेंद्र झरझरिया को पैरा एथलीट के लिए, और उसके साथ साथ सरदार सिंह को भी दिया गया है। 21 अगस्त 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा CCTNS परियोजना के तहत किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो उसका नाम है डिजिटल पुलिस पोर्टल। 21 अगस्त 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो वह कार्यक्रम है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। 21 से 23 अगस्त 2017 के मध्य 8वीं विश्व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो किया गया कहां, नई दिल्ली में। 25 अगस्त 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला में किस मूल्य का बैंक नोट जारी किया? तो वह जो श्रृंखला है वो है 200 रुपये का। 200 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित है? तो वह सांची का स्तूप। 42 नंबर है, 20 अगस्त 2017 को इंदिरापुर पुणे स्थित एक फार्म में IVF तकनीक के माध्यम से एक सरोगेट गाय के बछड़े को जन्म दिया, इस बछड़े का नाम क्या है? तो है विजय। 23 अगस्त 2017 को इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो उनका नाम है वेन रूनी। 44 है, 19 अगस्त 2017 को किस राज्य सरकार द्वारा पायलट आधार पर देश की पहली जैव ईंधन चालित बसों का शुभारंभ किया गया? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है गोवा। ठीक है, गोवा सरकार के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। 19 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश के तहत स्वच्छता अभियान की शुरुआत कहां से की गई? तो यह किया गया गोरखपुर से। 14 से 19 अगस्त 2017 के मध्य संपन्न भारत आसियान युवा सम्मेलन 2017 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया भोपाल में। 17 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो उस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। 16 अगस्त 2017 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 10 उच्चतम भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची 2017 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो है अमेरिकी अभिनेत्री एमा स्टोन। 16 अगस्त 2017 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो यह है 275.68 मिलियन टन। और तीसरे अग्रिम अनुमानों में जो रखा गया था वो तो 300 मिलियन टन का रखा गया, लेकिन चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 275.68 मिलियन टन का रखा गया अनुमान।
13 अगस्त 2017 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो वह देश है सोमालिया। 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पहले समन्वय आधारित अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन के प्रारंभिक परिणाम के अनुसार देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो वह राज्य है कर्नाटक। 11 अगस्त 2017 को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल हेतु केनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो उनका नाम है उहुरु केनियाटा, जो कि 5 साल पूरे करने के बाद दूसरा कार्यकाल उनको मिला है। 11 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो वह है परसून जोशी। 10 अगस्त 2017 को अमेरिका के संघीय ऊर्जा नियामक आयोग यानी FERC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नील चटर्जी। 7 अगस्त 2017 को UAE सरकार द्वारा किसे सामुदायिक सेवा मेडल प्रदान किया गया? तो उनका नाम है फिरोज मर्चेंट। 11 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्यात बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आयात निर्यात बैंक का मतलब है एक्जिम बैंक, ठीक है, और इनका नाम है डेविड रास किन्हा। 4 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वह अभिनेता अक्षय कुमार, ठीक है। 4 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो घोषित किया गया वो किया अभिनेता अक्षय कुमार को। 11 अगस्त 2017 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शारीरिक सक्रियता हेतु दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह बने हैं भारतीय धावक मिल्खा सिंह। 10 से 11 अगस्त 2017 के मध्य बिमस्टेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां संपन्न हुई? तय हुआ काठमांडू नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2017 का मुख्य विषय क्या था? तो जो थीम था वो था युवाओं द्वारा शांति स्थापना। 61 नंबर है, 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो उस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, और इसकी जो शुरुआत की गई वो 8 अगस्त 2017 को इस पे निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 2017 को मेकांग गंगा सहयोग की 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां संपन्न हुई? तो यह हुआ मनीला, जो कि फिलीपींस में। 2 अगस्त 2017 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु किस सेवा का शुभारंभ किया गया? तो वह है मोटर बाइक एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा। 64 नंबर है, 1 अगस्त 2017 को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा क्लब के सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किसे सम्मानित किया गया? तो वह है धनराज पिल्ले। 65 है, 2 अगस्त 2017 को पुणे स्थित तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा लोकमान्य तिलक अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह किया गया आचार्य बाल कृष्णन को। 5 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नए जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। 1 अगस्त 2017 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा उचित बाजार व्यवहार पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो जिनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है उनका नाम है TK विश्वनाथन। आते हैं 68 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 31 जुलाई 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने पर सलाह देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की गठित की गई है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण, और इन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति की गठित की गई है।